दूसरी गल तुसी एक बार एक आंसर क्वेश्चन किया है कि फंडिंग कितों आती है वीर जी, ये सारे लैंडलॉर्ड है ट्रैक्टर वाले है, एक एक क्वेंटल भी इकट्ठा कर 1000 क्वेंटल शाम को इकट्ठा कर देंगे, और जिन्ना लंगर है बाबे नानक दी इन्हां नूं बख्शिश है, जिन्ना है हरेक नूं लंगर छका सकते हैं जी। तां दा अलग अलग तरीके नाल टैग दिते गए सी, जो 26 जनवरी दिल्ली गए सी, तां टैग सानूं सरकार दिंदी है ना कि लोग दिंदे है, साडी लड़ाई सरकार नाल है, सेंटर सरकार नाल है, ना कि इन्हां भुखे लोकां नाल, साडा फर्ज बनदा कोई भी भुखा ना रहे साडे करके, ताकि सानूं कोई कलूं गलत ना कह सके, किसानों का फर्ज बनता जे धरना लाया तो साडी वजह ना कोई भुखा ना रहे। अजे कह सकते कि पासे मोदी जिद ते है ते दूसरे पासे किसान धरने ते ने? जी सर, मोदी जिद ते है, असी धरने ते है, जिन्नी देर जिते रहूगा असी उन्नी देर धरने ते रहांगे, धरना नहीं चकना जब तक जित नहीं होनी, चकना सर चाहे वह 2024 तक ले जा सकता अपने आप में। अभी खाने के लिए कुछ था नहीं? नहीं कुछ नहीं था, तो जस्ट ये लंगर लेके आया था, अरे भूख लगी थी हमें सुबह से। सुबह से भूखे थे आप? हाँ, सुबह 6 बजे आ गए थे, तो खाना खाया था सुबह, बस परौंठे खा के आए थे, भूख लगी थी, फिर लंगर खा रहे। जैसे ये किसान अभी लंगर खिला रहा है, इनको तो बोल कभी आतंकवादी बोल देते हैं, कभी क्या बोल देते हैं? ऐसा नहीं, वो तो जो बोलते हैं वो गलत है, सीधी सी बात है। फंडिंग नूं लैके सवाल चुक्या गया सी वी फंडिंग कित्थों आउंदी है? गुरु नानक दे लंगर है, 20 रुपए का चलाया हुआ लंगर है, ये कदे थोड़ नहीं आएगी, ये लंगर निरंतर इदां ही चलते रहेंगे। हाँ, खाना बिल्कुल है नहीं, जी भुख तो लगी हुई, असीं भी चले सी बाहर, तो वीर जी कहिंदे भी नहीं अंदर लंगर चला रहे, आ जाओ अंदर, तां असीं आ गए लंगर खाधा सी। बहुत बहुत धन्यवाद किसानां दा, बहुत बहुत वड्डी मदद सी, असीं भुक्के बैठे सी कि ट्रेन शायद चलूगी 4 तो बाद ही चलूगी, इदां असीं तां बस बैठे हुए सी, लेकिन बहुत भुख लग रही सी, कुछ था भी नहीं स्टेशन च, ते इहदा बहुत शुक्रिया इहनां दा कि लंगर प्रोवाइड किया उन्होंने। जो वाकई आतंकवादी होंगे कि तुम लंगर छाते? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कदे भी नहीं। और रही बात फंडिंग दी, तो गुरु का लंगर इन्ने साल तो चल रहा, इन्हों इन्ना ही नहीं पता कि ये कोई ऐसा सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती सानू, असी सरदार का दिल इन्ना वड्डा होंगे कि सानू जरूरत ही नहीं है किसी होर की लंगर खिलाने लई जनता नू, असी तो पुछते भी नहीं है कि तुसी कौन हो कित्थे आए हो, कोई वो नहीं। फटाफट उपर चढ़ के उत्थे देखिया हमें ट्रेन आ गई है, तो जदी इन्हें ट्रेन रोकती, उस तो बाद सानू जो जथेबंदी ने कहा जी उपर जाके उन्होंने लंगर छकाओ, जिन्हें भी रात यात्री है उन्होंने लंगर खाओ, कोई भुखा नहीं रहना चाहिए। देखो जी ये भी साढ़े भाई है, ठीक है, इन्हें कोई किसान है किसान नहीं है, देखो जी आप बाबे नानक का लंगर चला रहे, बेचारे खिलाना है, कोई बंदा भुखा ना रहे, बस कोई भुखा ना रहे, भुखा नहीं वो जाना चाहिए बस। तो दस्या कि जाके भी ट्रेन रुकी हुई है लंगर लैके जाना रेलवे स्टेशन पर? हाँ जी दस्या जी, ता ही लैके आई सी कि मुसाफिर भुखे ना रहने देखते, सवेर के खड़ी कोई 7 बजे ट्रेन रुकी हुई है जी, बाकी इन्होंने असं अलर्ट किया पहला दे गए से नोटिस, तो पता नहीं क्यों चलाती इन्होंने ट्रेन, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਸੀਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇਣਾ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ 2 ਯਾਤਰੀ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 7:45 ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਇੱਥੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ 6:45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 6:45 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਈ? ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੋਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੋਕਲੀ ਰੇਲਵੇ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ,
तो फिर खाना यहाँ सब बंद है कंटीन वगैरह? अब बंद है सर, तो क्या करेंगे, खाना तो खाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये तो किसानों ने देखा भी, कहते ट्रेन खड़ी चलो लेके चले। सर ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है किसानों का। अब ये मतलब ये कि खाना है नहीं तो लोग खाना तो खाएंगे ना, भूखा थोड़ी कोई मरेगा। अब एक बजे का टाइम हो गया तो देखा था अभी पीछे हम लोग खड़े थे वहाँ पे, कहते ट्रेन रुकी हुई है, बीच में यात्रा तो बैठी है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ जी सर, खाने के लिए तो वाकई में कुछ भी नहीं है, खाली यहाँ पे छोटे से कंटेनर, उसमें क्या दाल चावल थोड़ी मिलेगा। किसान लेके आए, फिर किसान को क्यों बोला जा रहा है कि वो ऐसे बैठे हुआ सड़कों के ऊपर, वो तो अपने हक के लिए लड़ रहा है। सर वो तो उसमें अब गवर्नमेंट के जाने या उसको, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते ना, हम तो कर्मचारी हैं। कर्मचारी तो गाड़ी चलाएगा, गाड़ी करेगा, बस यही कर सकता ना। अगर गाड़ी रुक गई, कैंसिल है तो कैंसिल गया, नहीं है तो गाड़ी जाएगी जाएगी। हम लोग तो ये अमृतसर जानी थी ट्रेन, ये अमृतसर जानी थी ट्रेन। सुबह कितने बजे से यहाँ पे खड़ी? सुबह ये 6:40 पे चंडीगढ़ से चली थी, उसके बाद से ये मोहाली पहुँची है, 15 मिनट लगा है, उसके बाद से यहाँ खड़ी है ये। तो 2 बज गए हैं यहाँ, 2 बज गए। इस पास यात्रा बैठे हुए हैं जिन्होंने खाने कुछ नहीं सी, रेलवे स्टेशन उत्ते बंद सी, तो इन्होंने को जानकारी लवेंगे। भाजी कितों के हो? इतनी लोकल है, मोहाली दी हो? मोहाली। किसानों ने जिमें पता लगे भी ट्रेन रुकी हुई है, इतने खाने को कुछ नहीं है, ना ही इन्होंने कोशिश की भी इतने लंगर पहुँचाया। लंगर पहुँचाया जी, पहुँचाया वधिया सेवा कर रहे हैं। एमए का किसी इतों ही हो? जी सर मैं शंभू साइड तो हूँ सर। शंभू साइड? हाँ जी सर। ट्रेन से तुम भी? हाँ ट्रेन हजूर साहब जाना चाहिए सर, सचखंड से हजूर साहब। इतने हूँ तुम रुक गए हो? हाँ जी सर। खाने तो कुछ होना नहीं इतने रेलवे स्टेशन से? किसान है सर, किसान। लंगर सारी? हाँ लंगर सारी है सर। अभी सवेर से आए हुए 4 बजे सर, अभी 4 बजे आए हैं। हाँ सर 4 बजे इतने बैठे हैं सवेर। समस्या तो नहीं है क्योंकि वो तो प्रोटेस्ट कर कोई नहीं सर, समस्या तो बस यही है अभी ट्रेनें चल रही हैं, बस परेशानी कट रही है सवेर की सर, इस तो पर क्या परेशानी होगी। चलो आप उन्होंने को चलते किसानों को जिते लंगर लैके आए हैं, अपने उन्होंने गलबात करते हैं भी ये की कहना चाहते हैं। भाजी पिछे मैं देख रहा सी लंगर लैके आए हो भी ट्रेन रुकी हुई है, तो दस्या कि जाके भी ट्रेन रुकी हुई है, लंगर लैके जाना रेलवे स्टेशन पर? हाँ जी दस्या जी, ता ही लैके आए थे, मुसाफिर भुखे ना रहने दिखते, सवेर के खड़े कोई 7 बजे ट्रेन रुकी हुई है जी। बाकी इन्होंने असं अलर्ट किया, पहले दे गए थे नोटिस, तो पता नहीं क्यों चलाती इन्होंने ट्रेन। तुम पहले क्या सी? पहले कह के असं इतने दे गए थे स्टेशन मास्टर ने जी भी ट्रेन ना चला, ट्रेन ना चला, लैटर दे के गए थे इतने। भाई चिट्ठी दे के गए थे, फिर उसके बावजूद भी ट्रेन चली हूँ तो यात्री परेशान होते हैं, इन्होंने दसना चाहिए, दसने एक दिन पहले? बिल्कुल बिल्कुल वीरे, जो सू नोट्स देता जाता तो यह प्रशासन की बनती जिम्मेवार से, रेलवे को चाहिए सी ये ट्रेन ना चलाते, साढ़े को माता जी उन्होंने उत्थे खाना दिता, उन्होंने ग्वालियर देना, ग्वालियर जाना है, मतलब उन्होंने हूँ खाना खवाया, उन्होंने ग्वालियर जाना है, वह कहें भी सानू असी भी नहीं चाहते उन्होंने वह करना, असी देखो साड़ी रोटी की लड़ाई, असी लंगर तां लेके आए भी कोई भुखा ना रहे, असी सानू भी ये चीज़ का बड़ा दुख होंदा जो आम लोग आम वर्ग है जिहड़ा वह दुखी होंदा, कितने ना कितने सरकार जिहड़ियां वह टस तो मस नहीं हो रही, ये तो सानू भी हर्ट होंदा भी क्योंकि साड़ी तो लड़ाई रोटी की है। अच्छा भाजी तुहानू क्यों पता लगे भी ट्रेन रुकी हुई है, किसी ने दस्या जा के भी यात्रु है कंटीन बंद है, कंटीन तो कुछ मिलता नहीं पाया, हूँ सवेरे 6 बजे तो भुखे बैठे ने, 2 बज गए ने, तुहानू भी किसी ने जाके दस्या भी उत्थे भी लंगर लैके जाओ? बिल्कुल बिल्कुल, इतने 2 यात्री वीर है जिहड़े साडे कोल उत्थे गए सीगे, उन्होंने जाके सानू स्पैशल कहा भी वह वीर भुखे आ, तो साडा हुणे हुणे जिहड़ा लंगर तैयार होकर आया सी, तो असीं जिहड़ा लंगर पा के इत्थे इन्हां नूं छकाउण लेके आए। अच्छा दूसरे पास भी चर्चा हो जाती भी किसान तो परेशान कर रहे हैं, जा नहीं दिता जा रहा, जे रेलवे ने ट्रेन चलाती सी तुसीं नोटिस दिता सी, फिर रेलवे वाले रोटी खिलाने ना वो कह देंगे भी ठीक है तुसीं रोटी असीं खवाने, गलती ना ट्रेन चल गई है। सरकारां भी अज रोटी खवाउण नहीं, रोटी खवाउण लगियां होईयां, वह रोटी खो रही ने, वह हर गरीब के हर मजदूर के मूँह के रोटी कढ़ रही ने, देण दी गल तां बहुत दूर है, अज वो भुख भुखमरी है जी फैला रही ने सरकारां दा, तुसीं कहा भी सरकार दा, अज मैं पंजाब सरकार दी, असीं पंजाब दे विच खड़े हां, पंजाब सरकार दी गल करदे हां, असीं पंजाब मंडी बोर्ड गए हां, उतों सानू सकत्तर साहब कहिंदे आ भी सानू जिहड़ा सीएम साहब का नोटिस आया भी 9 बजे नूं तुसीं दफ्तर पहुँचना है, यह मैसेज किधर नूं जांदा है? एक पासे पंजाब सरकार सानू हमायत दे रही है, दूजे पासे जिहड़ी दफ्तरां दे विच अपने जिहड़े कर्मचारियों नूं बुला रही है, मैसेज किधर नूं जांदा है? सरकारां तां रलियां मिलियां ने, सरकारां ही साडा कान कर रही हैं, सानू रोडां दे उत्ते बैठना ही तां पै रहा, सानू आ वीरां नूं आपदे वीरां नूं तंग परेशान, जिहड़ा नाल असीं खुद भी अपने काम छड्डी फिरदे हां, सानू तंग परेशान इहनां सरकारां दे करके ही होणा पै रहा। हुण जिवें कैमरामैन नूं कहोंगे भी ये चीज़ दिखा देन भी यात्रु इत्थे परेशान ना होण, एक नोटिस दिता गया सी रेलवे स्टेशन वाले नूं भी ट्रेन ना चलाओ, अज पूरा भारत बंद है, ट्रेन चली 6:40 तो चंडीगढ़ मोहाली आके 7:15 दे आस पास रुकी, 7:15 बजे तो लैके हुण करीब 2
बजे का समय, उसके बावजूद किसी भी यात्रु ने रोटी नहीं खाधी सी, तो कोशिश इन्हें नहीं की है भी इन यात्रा रोटी खिलाई जाए, क्योंकि दो यात्री इतों किसानी अंदोलन में चले गए थे। उस तो बाद उन्होंने कहा भी ट्रेन रुकी हुई है, बिच कई मुसाफिर भुखे ने, तुसी लंगर लैके जाओ। उस तो बाद ये लंगर लैके आए ने, कोई होर भी मुसाफिर नाल ने। कहाँ पर जाना आपने? हमने जाना था अमृतसर। अमृतसर जाना है? हाँ जी। तो अभी खाने के लिए कुछ था नहीं? नहीं कुछ नहीं था, तो जस्ट ये लंगर लेके आया था। सारे भूख लगी थी हमें सुबह से। सुबह से भूखे थे आप? हाँ, सुबह 6 बजे आ गए थे, तो खाना खाया था सुबह, बस परौंठे खा के आए थे, भूख लगी थी, फिर लंगर खा रहे। जैसे ये किसान अभी लंगर खिला रहा है, इनको तो बोल कभी आतंकवादी बोल देते हैं, कभी क्या बोल देते हैं? ऐसा नहीं, वो तो जो बोलते हैं वो गलत है, सीधी सी बात है। हम तो साथ ही हैं इनके, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कहाँ जाना है? अमृतसर ही फ्रेंड है। अच्छा, इकट्ठे जा रहे हो? हाँ जी। सुबह से खाना खाया? नहीं, कुछ नहीं खाया था, अभी खाया। अभी लंगर खा रहे हो? हाँ जी। तुम देख रहे हो इस पास भी, जो नज़र मार के देखोगे जो यात्री इस पास बैठे हुए ने, वह भी लंगर खा रहे हैं। तो जो शुरुआत में 26 नवंबर 2020 इतों पंजाब अंदोलन गया से, तो उदों अलग अलग नाम दिए गए से भी आतंकवादी आ गए, ये की करे, लंगर को लैके भी, फंडिंग लैके भी सवाल चुकया गया से। भाजी एक होर मेरा सवाल है, फंडिंग लैके सवाल चुकया गया से भी फंडिंग कितों आती है? वीर फंडिंग है जे असी जिदा साढ़े फॉरनर की गल की जाती है, वो साढ़े वीर ने, साढ़े इतों ही गए हुए ने, वो साढ़े मिट्टी नाल मोह है, तो करके उन्हें जोड़ा साढ़े लंगर के योगदान पा रहा है। असी अपने तुम ये देख लो, पहले दिन के उत्तों साडा सिंगू के उत्ते भी लंगर चल रहा है, साडा जो 10 पिंडा का कंब वो चेला सारे टोटली पिंड हो गए स्टेज के बिल्कुल मूहरे, उत्थे भी साडा लंगर चल रहा है। गुरु नानक के लंगर है, 20 रुपए का चलाया हुआ लंगर है, ये कदे थोड़ नहीं आएगी, ये लंगर निरंतर इदा ही चलते रहने। उस पास भी चलते एक यात्री हो भी बैठे हुए हैं जिन्होंने हमने लंगर खाधा। अच्छा, कहाँ पे जाना आपने? लुधियाने जाना है। लुधियाने जाना? लुधियाने। इतने फस गए अज? हाँ, फसे तो चलो की है, चलो नाल ही है किसानों के, आप तो नहीं कह सकते है, तो भी इन्ने चर से संघर्ष करते हैं, अभी भी तो नाल ही थोड़ा जहा कर सकते हैं नाल रह के आप। हूँ किसानों ने कहता भी असी ना कल दे के गए थे पेपर, लैटर दे के गए थे भी ट्रेन ना चलाओ, कल भारत बंद है, उस बावजूद भी ट्रेन चलाई गई है। बट फिर रेलवे प्रशासन की गलती है जी, तो फिर जो ट्रेन ने चलाती, क्योंकि अगर इन्होंने पहले ही ऑनलाइन असं टिकटा की, अगर इन्होंने पहले ही कैंसल कर देना चाहिए ट्रेना, फिर असं ना करते, क्योंकि असं भी साडा पेपर सीगा कल एडिटोरियल आर्मी का, तो उस बाद शाम को देख के सोचा चल सवेरे निकल जाएंगे 6 बजे ट्रेन का, ट्रेन बुक की निकलने सोचा, बट ट्रेन आके फस गई। चलो हूँ नाल ही जनता देना की कह सकते हैं। हूँ कहते कंटीन बंद है, खाना तो है नहीं सी? हाँ, खाना बिल्कुल है नहीं, जी भुख तो लगी हुई, असं भी चले से बाहर, तो भीर जी कहते भी नहीं अंदर लंगर चला रहे हैं, भी आ जाओ अंदर, तो असं आ गए लंगर खाधा असी। बहुत बहुत धन्यवाद किसान आंदोलन का, फॉलो हो गया जी अपना। सही है। तुसी वधे कित्थे जाना? मैं अमृतसर जा रहा सीगा, मैं मध्य प्रदेश तो हाँ, तो इतने एग्जाम देने आया सी, तो मैं भी किसान नाल तो सीगा ही, मैं क्या अगर ट्रेन चलूगी तो चले जाएंगे, नहीं चलूगी तो नहीं चलेंगे। और के अच्छा हूँ देखते सी कुछ यात्री गए से उत्थे अंदोलन के, कुछ दूरी तो जाके गए ट्रैक के थले पुल बने हुए, उत्थे जाके अंदोलन चलता पाया, कुछ यात्रु गए कहते भी ट्रेन में मुसाफिर है, रोटी खाने को कुछ नहीं है। उस वक्त किसान जिन्ना को है लंगर लैके आए ने, पिछले लंगर लैके आते? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यह बहुत बहुत वही मदद सी, असं बुके बैठे थे कि ट्रेन शायद चलूगी 4 तो बाद ही चलूगी, इदा असं तो बस बैठे हुए थे, लेकिन बहुत भुख लग रही थी, कुछ था भी नहीं स्टेशन से, तो यहाँ बहुत शुक्रिया उन्हों का कि लंगर प्रोवाइड किया उन्होंने, और सही इस तरीके साथ देंगे लोग, गवर्नमेंट डाल रही कि पता है ट्रेन नहीं चलूगी तो भी विद्यार्थियों फंसा देना इतने। लंगर उत्ते ने सवाल चुके भी फंडिंग कित्थों हुंदी है, ते दूजी गल आतंकवादी कहा सी, जे वाकई आतंकवादी हुंदे कि तुहानूं लंगर छकांदे? बिलकुल भी नहीं, बिलकुल भी नहीं, कदे भी नहीं। और रही बात फंडिंग दी, तां गुरु दा लंगर इन्ने सालों तो चल रहा, इन्हों इन्ना ही नहीं पता कि ये कोई एदा सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती सानू, असी सरदार का दिल ही इन्ना वड्डा हुंदा कि सानू जरूरत ही नहीं है किसी होर की लंगर खिलाने लई जनता नूं, असी तां पुछदे भी नहीं है कि तुसी कौन हो कित्थे आए हो, कोई वो नहीं, असी दिल नाल करदे आ। तुसी जिवें देखदे हो असी मोहाली स्टेशन उत्ते खड़े होए आ, लंगर नूं लै के बड़ी चर्चा हुई सी भी फंडिंग कित्थे हुंदी है, जे किसान किसी का माड़ा चाहते तो शायद जो भुखे यात्रु ने इतने लंगर इन्हों ना खवाते, इन्होंने की लड़ पै गई सी, तो संघर्ष कहते सड़कों पर बैठ के इन्हों इन्हों का तो चल ही रहा सवेर का संघर्ष, ये तो रोड जाम करके बैठे हुए थे, पर इन्हों लड़ पै गई, खुद कह रहे हैं कि गल है रोटी की, गल है उस रोटी की, जितों सरकार रोटी तो भरा की सांझ तोड़ना चाहती, उन्होंने लैके ये लंगर चलिया जाए, तो लंगर चलता होगा। भाजी एक सवाल हो रहा, मैं जो फंडिंग की गल कर रहे, कहते मैं
कहते फंडिंग उन्होंने उल्टा सवाल होने चाहिए ने भी तुम्हारी प्रॉपर्टियां इवें वध गईं जो फंडिंग की गल करिए फंडिंग की कहोगे जो कहते फंडिंग कितों होंगी है ना फंडिंग तो बाबे नानक आपे दे रहा जी वो तो बाबे नानक का लंगर है 20 रुपये का चलाया हुआ सदा लिए चलता रहना जुगो जुग चलेगा जी। अच्छा एक सवाल भाई तुहानू की लोड़ पै गई इत्थे आउण दी जिवें कहिंदे भी चर्चा छिड़ी सी किसान तो परेशान करते हैं जो सड़कों पर बैठे सड़क जाम कर लेंगे ने हुण इत्थे कंटीन च कुछ खाण नहीं गया सी फिर तुहानू की लोड़ पै गई इत्थे आउण दी सर ये झूठ बोलते कोई किसान परेशान नहीं करता सवेर का देखो जी मैं 4 बजे का आया जी ठीक है जी 7 बजे पैथे पहुँच गए सी जो ट्रेन की आवाज़ आई फटाफट आप फटाफट उपर चढ़ के उत्थे देखिया भी ट्रेन आ गई है तो जदी इन्हें ट्रेन रोकती उस तो बाद सू जथेबंदी ने कहा जी उपर जाके उन्होंने लंगर लंगर छकाओ जिन्हें भी रात यात्री है उन्होंने लंगर छकाओ कोई भुखा नहीं रहना चाहिए। मेरा सवाल है कि तुम क्या जथेबंदी ने आके लंगर तुम इतने बताया पर लौड़ की पैगी ये चीज़ करन दी क्योंकि कई कह देंगे ना भी फंडिंग की भी गल आ जाती है कई कहें भी इन्हों जगह लंघन लिए देंगे एमरजेंसियों लिए फिर लौड़ की पैगी प्रधान की कि रोटी की लड़ाई है जे इन्हों पाबंजा रखे यात्री मुसाफिर है लंगर तो 24 घंटे चल रहा है। देखो जी ये भी साढ़े भाई है ठीक है इन्हें कोई किसान है किसान नहीं है देखो जी आप बाबे नानक का लंगर चला रहे हैं बेचारे खिलाना है कोई बंदा भुखा ना रहे बस कोई भुखा ना रहे भुखा नहीं वो जाना चाहिए बस भाई साहब भी उत्थे बैठे से कह रहे थे सवेर के भुखे बैठे हैं जो लंगर ना आता शायद शाम तक ही भुखे बैठना पैना सी। वीर जी ने अभी जो सूँ पता लगा उदा ही सारे जने आ गए लंगर छकाउण वास्ते। दूसरी गल तुसीं एक बार एक आंसर क्वेश्चन किया है कि फंडिंग कितों होंदी है वीर जी सारे लैंडलॉर्ड है ट्रैक्टर वाले है एक एक क्वेंटल भी इकट्ठा कर 1000 क्वेंटल शाम को इकट्ठा कर देंगे और जिन्ना लंगर है बाबे नानक दी इन्हां नूं बख्शिश है जिन्ना ये हरेक नूं लंगर छका सकते हैं जी हरेक नूं लंगर छका सकते हैं। ये जदों इन्हां नूं पता लगा ये देखो किन्ने वीर आ गए सारिआं नूं गड्डी जे ट्रेन भरी होंगी तो सातों इन्ना लंगर तैयार है असीं सब नूं लंगर छका सकते सीगे जी। भाई हुण उत्थे खड़े हुण तुसीं भी एक चीज़ कह रहे हो कि हुण तुसीं जिक्र कर रहे सी भी मैं पुछ रहा सी भी तुसीं कर क्यों आए उत्थे हो तुहानूं तां अलग अलग तरीके नाल टैग दिते गए सी जो 26 जनवरी दिल्ली गए सी तां जी जी टैग सानूं सरकार दिंदी है ना कि लोग दिंदे है साडी लड़ाई सरकार नाल है सेंटर सरकार नाल है ना कि इन्हां भुखे लोकां नाल साडा फर्ज बनदा कोई भी भुखा ना रहे साडे करके ताकि सानूं कोई कल नूं गलत ना कह सके किसानां दा फर्ज बनदा जे धरना लाया तां साडी वजह नाल कोई भुखा ना रहे साड़ी सरकार ना लड़ाई है सेंटर सरकार ना लड़ाई है काले कानून की लड़ाई है। अजय कह सकते एक पास मोदी जिद पर है तो दूसरे पास किसान धरने पर ने जी सर मोदी जिद पर है असी धरने पर है जिनी देर जितते रहूगा असी उन्नी देर धरने पर रहेंगे धरना नहीं चकना जब तक जित नहीं होनी चकना सर चाहे वह 2024 तक ले जा सकता अपने आप में यह ओदी मर्जी है साड़ी नहीं है जिनी देर वह करवाता रहेगा असी ये काम करते रहेंगे। की कहना चाहते भाई बस यही जो इन्होंने कहा भाई साहब ने असं भी उही कहना चाहते हैं मोदी सरकार अड़ी हुई है असं भी अड़े हुए हैं देखते हैं कितने तक चलता काम ट्रेन देखते हो ये नोटिस दे दिता गया जिवें किसान कह दें भी पहले नोटिस गया रेलवे भी ट्रेन ना चलाओ कल भारत बंद है पर उसके बावजूद भी ये ट्रेन चली तो यह खड़ गई आके मोहाली के लगभग 2 बजे का इस समा समा है सवेर के यात्री जोड़े ने मुसाफिर से वह भुखे बैठे हुए हैं तुम दूर तक नज़र मार के देखोगे कंटीन बंद सी जिवें ही देखा भी ट्रेन रुकी हुई है इतने कुछ यात्री गए फिर किसान इतने आए किसानों ने आके ना मुसाफरों लंगर खवाया भी कम से कम ये तो खा सकन गल है रोटी की जो किसान हमेशा कहता आया भी रोटी की सांझ तोड़न की कोशिश की जा रही है तो सब तो वड्डा सवाल है कि जे पहला ही रेलवे वाले कह दिता गया फिर उन्होंने ट्रेन चलाई क्यों यही वड्डा सवाल है तो